अररिया के रानीगंज स्थित पेट्रोल पंप में लूट की वारदात का एक मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि दो पिस्तल धारकों ने पेट्रोल पंप पहुंचकर वहां लूट की वारदात को अंजाम देने की कोशिश करने लगे, लेकिन लूट करते समय बदमाशों का पिस्तल सही तरीके से काम न करने की वजह से बदमाशों को वहां से भागना पड़ा। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने फरार अभियुक्तों को 17 नंबर रोड पर पकड़ लिया। आपको बता दें कि पुलिस ने एक बदमाश को दो पिस्तल के साथ गिरफ्तार कर लिया है, जबकि अन्य तीन अपराधी भागने में सफल रहे। इस मामले पर डीएसपी रामपुकार सिंह का कहना है कि आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जेल भेज दिया गया है और साथ ही आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। रामपुर में स्थानीय लोगों के द्वारा सूचना दी गई कि कुछ अपराधकर्मी पुल के पास आए हुए हैं, जिनके पास हथियार है, और उन लोगों के सहयोग से हरिश्वर थाना के पदाधिकारी पुलिस निरीक्षक थानाध्यक्ष हैं और अन्य सहयोगी के साथ वहाँ गए तो इनको पकड़ा गया। पकड़ाए व्यक्ति जानू उर्फ ऋतिकेश सिंह परसागढ़ी थाना जदिया जिला सुपौल के हैं। उनके पास से एक लोडेड पिस्टल और एक अन्य पिस्टल मैगजीन लगा हुआ जो मैं दो पिस्टल बरामद हुआ है। उनके साथ एटीएम है जो दूसरे का है, गाड़ी का ड्राइविंग लाइसेंस है, को पकड़ा गया। उनके पकड़ाने के बाद उनसे जब पूछताछ किया गया तो पता चला कि ये पूर्व में भी यहाँ से जेल गए हैं, एटीएम गिरोह से जुड़े हुए हैं और इनका मुख्य पैसा एटीएम गिरोह के माध्यम से लोगों को ठकना और अपराध मौका मिलते ही अपराध करके निकल जाना। इनके जो भी सहयोगी हैं वो पूर्व में जेल से छूटे हैं और अभी भी अपराध में सक्रिय हैं। इसी क्रम में पूछताछ के क्रम में यह भी ज्ञात हुआ कि कल सुबह 5 बजे रानीगंज में पेट्रोल पंप में पेट्रोल पंप कर्मी को लूटने का प्रयास किया गया। वहां फायरिंग भी पिस्टल निकाल के किया गया था। इस घटना का भी सफल उद्भेदन हो गया है। इन्हीं ग्रुप के इनके साथ के अपराधकर्मी और इसी पिस्टल को लहरा करके उनको मारने का प्रयास किया गया था, वह बरामद हुआ है। वहाँ से CCTV साक्ष्य के रूप में संकलित किया गया था, जिसमें इन लोगों का फोटो है अपराध करते हुए पिस्टल पकड़ से फायरिंग करते हुए उनके पेट्रोल पंप के कर्मी पर। तो ये दोनों केस का एक तो आर्म से क्या हुआ जो सफल उद्भेदन हो गया, और रानीगंज में जो कल घटना घटी थी उस घटना का भी उद्भेदन हो गया है। इसमें 4 अपराधकर्मी थे और चारों की शिनाख्त हो गई है। चारों का नाम हम लोग के पास है, एक उसमें अपराधकर्मी पकड़े गए हैं। हम लोग अन्य इनके द्वारा आसपास में घटनाएं की गई हैं, आपराधिक घटनाएं, उसका हम लोग पूछताछ के बाद निवेदन कर रहे हैं और हम लोग आगे का अनुसंधान। 100% प्लेसमेंट के साथ हम देंगे आपको मौका। Life24 मीडिया इंस्टीट्यूट, एडमिशन ओपन। रजिस्ट्रेशन के लिए कॉल करें 9560464170।